अग्र पूजा कैसे लिखें कि पूरा में पूरा नंबर मिल जाए। जी हाँ, आप सभी का स्वागत है सी यू डी पी लर्निंग चैनल पर। कक्षा 10 में हिंदी का 12वां क्वेश्चन होता है खंड काव्य से अग्र पूजा लिखने का, लेकिन आप सब लोग सब रट कर जाते हो, फिर भी आपका एक आध या आधा नंबर काट लिया जाता है अग्र पूजा का। मैं जो आपको तरीका बता रहा हूँ, आप ये तरीका आजमा दीजिएगा, आपका एक नंबर भी नहीं कटेगा, पूरा पूरा आपका नंबर यहाँ पर मिल जाएगा। ठीक है, सबसे पहले आप हेडिंग डालिएगा। मैंने यहाँ हेडिंग नहीं डाला, ठीक है। आप प्रश्नोत्तर नंबर 12 लिखिएगा, हेडिंग डालिएगा अग्र पूजा, और शुरू में लिखिएगा कि श्री राम बिहारी शुक्ल द्वारा रचित अग्र पूजा खंड काव्य के नायक श्री कृष्ण के संपूर्ण काव्य में श्री कृष्ण ही प्रमुख पात्र के रूप में उभर कर आए हैं। हमें उनके चरित्र में निम्नलिखित विशेषताएं दिखाई पड़ती हैं, मतलब उनका चरित्र चित्रण करना होगा श्री कृष्ण का। फिर से सुन लीजिए क्या पहले लिखना है। श्री राम बिहारी शुक्ल द्वारा रचित अग्र पूजा खंड काव्य के नायक श्री कृष्ण के संपूर्ण काव्य में श्री कृष्ण के ही मतलब को ही प्रमुख पात्र के रूप में उभर कर ये आए हैं। हमें उनके चरित्र मतलब चरित्र के निम्नलिखित विशेषताएं दिखाई पड़ती हैं। कौन कौन सी विशेषताएं, आप पॉइंट पहले याद कर लो, अगर कुछ नहीं आता तो बनाकर लिख दीजिएगा। पॉइंट पहला है, कौन सा मतलब चरित्र दिखाई देता है, लीलाधारी दिव्य पुरुष, श्रेष्ठ एवं विनयी, पांडवों के परम हितैषी। अब कैसे पता कि लीलाधारी और दिव्य पुरुष हैं? कवि ने मंगलाचरण में श्री कृष्ण के विष्णु रूप का स्मरण किया है, और विश्वकर्मा से भयानक खांडव वन में अलौकिक नगर का निर्माण करवा देने, शिशुपाल को अनेक रूपों में दिखाई देने से वे पाठकों को अलौकिक पुरुष के रूप में दिखाई प्रतीत होते हैं। मतलब ये इतना काम किए थे, जैसे विश्वकर्मा से खांडव वंश अलौकिक नगर बनवा दिए, शिशुपाल को अनेक रूप में दिखाई दिए, तो ऐसे ऐसा मतलब होने से जो पाठक हैं, जो पढ़ने वाले हैं, उनको लगता है कि कृष्ण जो है अलौकिक हैं, वह दिव्य पुरुष हैं। दूसरा, श्रेष्ठ एवं विनयी, श्री कृष्ण सदा बड़ों के प्रति नम्र भाव रखते हैं, और वे कुंती आदि पूज्य जनों के सम्मुख शिष्टाचार और नम्रता का व्यवहार करते हैं। वे युधिष्ठिर के राज सूर्य यज्ञ का जो है में ब्राह्मणों के चरण धोने का कार्य स्वेच्छा से ग्रहण करते हैं, तो इससे इनका श्रेष्ठ और विनयी मतलब विनय वाला गुण इनका प्रदर्शित होता है। नेक्स्ट है, पांडवों के परम हितैषी, श्री कृष्ण पांडवों के परम हितैषी हैं, वे उनके मतलब सभी कार्यों में पूर्ण सहयोग देते हैं, वे पांडवों को पहचान कर उनमें आत्मीयता से मिलने जाते हैं। ठीक है, अब आप क्या करिए, इतना स्क्रीनशॉट लीजिए और बार बार इसको रिपीट करिए, 3 नंबर मिलेगा काहे नहीं। कुछ और विशेषताओं की बात यहाँ पर करते हैं। अनुपम सौंदर्य से युक्त, श्री कृष्ण अलौकिक महापुरुष और अनुपम सौंदर्यशाली थे। इंद्रप्रस्थ जाते समय सभी नगर निवासी उनकी सौंदर्य को देखने के लिए दौड़ पड़े थे। इंद्रप्रस्थ की जो मतलब नारियां उनकी मधुर मुस्कान पर मुग्ध होकर न्यौछावर हो जाती हैं। यहाँ पर देखा सुना ना पढ़ा कहीं भी ऐसा अनुपम रूप मतलब मनंद, ऐसी मद मुस्कान न देखी गोविंद सदिश गोविंद। ठीक है, तो ये आप यहाँ पर लिख दीजिएगा। उसके बाद धैर्यवान एवं शक्तिमान, सॉरी शक्ति संपन्न, श्री कृष्ण जो है यहाँ पर लिखा है कि यहाँ परम वीर थे। ठीक है, यही कारण है कि वे केवल अर्जुन और भीम के को साथ लेकर जरासंध का वध करने पहुँच जाते हैं, और सुदर्शन चक्र से उन्होंने शिशुपाल की मतलब की वध भी किया था। यहाँ पर आगे लिखा है अगला हेडिंग, धर्म एवं मर्यादा पालक, श्री कृष्ण राजसूय यज्ञ में ब्राह्मणों के चरण धोते हैं, और एवं मतलब एवं यज्ञ में मर्यादा की रक्षा के कारण ही शिशुपाल के निंदा शब्दों को शांत भाव से मतलब क्षमा करते हैं। वे आदर्श मानव हैं, भीष्म के शब्दों में शील सुजानता विनय प्रेम के केशव हैं, प्रत्यक्ष शरीर मिटा आनंद धर्म मर्यादा स्थापन करते यदुवीर। ठीक है।